चलो आज आपको सैर करवाते हैं चनाब की, और इस टाइम मैं अखनूर में हूँ, और ये वही पुराना तरीका आज भी किस्ती का चलन जम्मू के अखनूर में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन दिक्कत की बात ये है कि सरकार द्वारा, टूरिज्म द्वारा जो है जम्मू कश्मीर, जो हमारा टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, उनको बड़ा कम ध्यान दिया जाता है, जिनमें से एक ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके अंदर किस्ती की सैर लोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लोग बड़ा कम आते हैं। लेकिन आज हम जिनकी किस्ती में बैठे हैं उनसे बातचीत करेंगे। थोड़ा ना क्या जी? कुलदीप कुमार। कुलदीप जी, कितनी पुरानी किस्ती चला देते हैं? कोई 20 साल हो गया। 20 साल हो गया, मतलब थोड़ा तो पहले भी कोई किस्ती? पिता चलाते रहे। पिता और चलाते, उन्हें 28 साल चलाई। अच्छा, तो नाल काम सीखते रहे होंगे? हाँ जी हाँ जी, जल पढ़ते रहे। तो 20 साल का तुम किस्ती चला दे हो, तो कैसा थोड़ा घर का खर्चा वगैरह चल जाता है इस काम नाल? काम ऐसे और भी करने हैं। और भी करने? हाँ जी। तो खाली इस काम ऊपर खर्चा नहीं चल सकता? एक काम और कोई खास नहीं। कितना लेंदे तुस एक दूए पासे जान दा, मतलब के चक्कर दा? 20 रुपए सवारी। तो 20 रुपए च इस पासे भी ते वापस भी? वापस ही। तो 20 रुपए? हाँ जी हाँ जी। आंदे न लोग डेली या कोई एतवार के शनिवार के आंदे? नहीं, टाइम फ्रेली आंदे रहंदे। आंदे रहंदे? हाँ जी। ज्यादा रश कदों होंदा? ज्यादा बड़ा रश होंदा बैसाखी। बैसाखी? तो बैसाखी ज्यादा आंदे लोग इत्थे काफी मात्रा च? ते डरदे डुरदे भी होने कई लोग सारे? नहीं, कोई खास नहीं। अच्छा, कहीं डरते कहीं नहीं बहनते कहीं बेही जाते। अज भी ये बड़ा पुराना किस्ती वाला सिस्टम इधर चला था अखनूर? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, काफ़ी पुराना। अच्छा, ये 1934 का पुराना जल्द पुल ने है ना बने का? अच्छा, उसलै भी चलती रही किस्ती, और किस्ती थोड़ी बड़ी होंगी रही। अच्छा, और कोई 400-500 सवारी आ सकती थी। अच्छा, तो एक ट्रक माल भी ले जाती थी, मतलब काफ़ी बड़ी किस्ती होंगी ते बड़े दरिया भी चलती है। अच्छा अच्छा, ते तुहानू कुछ लगता है अज पुराने टाइम तो लैके अगर अज तक देखा जाए तो लोग इस चीज़ तो दूर जा रहे हैं, किस्तियों पर नहीं बहते हैं, इतने आते नहीं हैं पुरानी चीज़ा देखा? पुराना फर्क तो है ही है, पहले लोग इधर दरिया तारे पाते पाते ट्यूबा से लकड़ियाँ आदि सी काफ़ी मात्रा मंडी लगती सी। अच्छा, काफ़ी इतना रौनक होंगी सी। अज चेंज हो रहा है? हाँ, चेंजिंग बिल्कुल। आज वो चीज़ नहीं रही है, वो ट्रेंड नहीं रहा है, लेकिन फिर भी सरकार को चाहिए, टूरिज्म विभाग को चाहिए कि अगर यहाँ पर कुछ परिवार अगर इस तरह से किस्ती वगैरह का काम कर रहे हैं तो इसको थोड़ा सा बढ़ावा देना चाहिए, और लोगों को खास करके इस चीज़ के अंदर भी ज़्यादातर खुल के सामने आना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि फैसिलिटीज़ नहीं, सरकार की तरफ से, टूरिज़्म विभाग की तरफ से फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती। अगर इस टूरिज़्म को भी एक अच्छे तरीके से प्रमोट किया जाए तो शायद आने वाले दिनों में यहाँ पर लोग काफ़ी संख्या में आ सकते हैं। अच्छा, और चाचू जी, तुस किस्ती कुस्ती जल्द दिखने हैं टीवी टूवी से, बड़े गाने शाने भी गाँव किस्ती चलाने वाले, तो अनु भी आंदा कोई डोगरी गाना? साढ़े कोई खास नहीं आते हैं गाने वाले, आते कलाकार इतने। अच्छा, कई वो भी गाते तो आंदा कोई डोगरी गाना? अं कोई खास नहीं आता, कोई दो लाइन सुना दो कोई, मैं भी गाँगा थोड़े ना, कोई डोगरी गाना आता देखने कोई नहीं सुनने ना लोग थोड़े को? चलो तू सोचो इन्नी देर, डोगरी गाना सोचा देने। तो एक बार मैं आपको फिर से ये सारी लोकेशन दिखाना चाहूँगा। ये सामने आप देख सकते हैं जिया पोता घाट, और ठीक उसके ऊपर अखनूर का पुराना फोर्ट, और यहाँ पर पांडव गुफा भी है, और इसके अलावा प्राचीन महाकाली मंदिर भी है। और अगर बात की जाए तो बड़ी ही एक सुंदर जगहों में से एक जगह है ये अखनूर की, लोग काफ़ी तादाद में यहाँ पर आते हैं और कोशिश करते हैं यहाँ पर आके इस लोकेशन को भी जो है देखें, और यहाँ पर आके इस चीज़ को भी एक्सप्लोर करें। किस्ती में कुछ लोग भी हैं हमारे साथ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम उर्मिला शर्मा है। उर्मिला जी, आज स्पेशली आप यहाँ आए हैं, यहीं के रहने वाले हैं कि कहीं बाहर? यहीं मेन अखनूर के। अच्छा, तो यहाँ पर ये मैं देख रहा हूँ कि खाली एक दो किस्तियाँ ही चल रही हैं, आपको लगता है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए? मैं तो एक दिन इनसे वैसे भी बात कर रही थी, मैंने कहा ये तो कश्मीर से कम नहीं है, और यहाँ पे तो होनी चाहिए फैसिलिटी होनी चाहिए, और यहाँ पे टूरिस्ट काफ़ी गर्मियों में काफ़ी आते हैं, तो उसके लिए थोड़ी फैसिलिटी होनी चाहिए यहाँ पे, और सर्दियों में भी यहाँ पे वॉक के लिए लोग आते ही हैं, दोपहर को भी आते हैं, बाहर के भी आते हैं संडे को, और यहाँ पे संक्रांत पे काफ़ी बड़ा मेला लगता है,
और बैसाखी का तो होता ही होता है, लेकिन संक्रांत में तो हर महीने यहाँ पे होता ही होता है। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात आपने की मैम, और थैंक यू बात करने के लिए। बिल्कुल, ये अखनूर के रहने वाले हैं और शायद अखनूर के जितने भी लोग हैं वो भी चाहते हैं कि सिर्फ आप कश्मीर कश्मीर ही ना देखें, कश्मीर के। जी जी, मेरा नाम ज्योति शर्मा। हाँ जी, तो कितनी अच्छी जगह अगर इसको भी डेवलप किया जाए। बिल्कुल अच्छी, ऐसा लगता है कि ये हमारा डोगरी जो है ना, एक कश्मीर, वो जम्मू कश्मीर की कश्मीर है, ये हमारी जम्मू वालों की कश्मीर है। देखो यहाँ पे कितना अच्छा सब कुछ है। हाँ, सब कुछ है, मंदिर है। हाँ, जम्मू को बोलते हैं ना मंदिरों का शहर। अखनूर भी कम नहीं है, देखो यहाँ पे गुरुद्वारा और कितना अच्छा, ये परशुराम मंदिर और पांडव गुफा भी अच्छी है, यहाँ महाकाली मंदिर भी है। जी, तो ये सारी चीजें यहाँ पर हैं। हमें बिल्कुल, हमें कश्मीर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और मैं एक बार फिर से जो हमारे किस्ती चलाने वाले हैं उनके पास आ जाता हूँ। तो सर थोड़ा तुस ना के तो सही, अपना कुलदीप। कुलदीप जी, तो कुलदीप जी गाना सोचा कोई दो लाना? कोई खास नहीं, कोई खास नहीं, सुना दो। बाकी लोग भी हैं थोड़ा। कोई खास आता है नहीं, दो लाइनां भी नहीं आंदियां, ये तो गलत गल है। फिर जिन्हें लोग देखा थे उन्होंने कहना भाई डोगरों को गाना तक नहीं आता, कोई दो लाइनां है। कोई गलत गल नहीं, मिठड़ी है डोगरे दी बोली ते खंड मिठे लोग डोगरे। क्या बात है, मिठड़ी है डोगरे दी बोली ते खंड मिठे लोग डोगरे। चलो दो लाइनें ही सही, लेकिन मज़ा आया और मैं तो ज़रूर इंजॉय करता हूँ जब इस तरह की कभी न्यूज़ बनाने का मौका मिलता है। और ये आप देख सकते हैं, ये अखनूर की ब्यूटी, खूबसूरती अखनूर की। और इस टाइम हम एक किस्ती में सफ़र कर रहे हैं और किस्ती का एंजॉय कर रहे हैं, किस्ती में किस्ती का मज़ा ले रहे हैं। मैं तो चाहूँगा जम्मू के जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ख़ास करके बच्चे, अपने मदर फादर को तंग करें, उनको ज़बरदस्ती अखनूर लेके आएँ नेक्स्ट संडे को। क्योंकि अगर हम संडे को वेव मॉल या सिनेमा देखने जा सकते हैं, तो आप लोग अपने मम्मी पापा को तंग करके अखनूर तक लेके आएं और उन्हें ज़रूर बोलें कि हमें किस्ती में जो है झूला लेना है, किस्ती की सैर करनी है, तभी यहाँ का जो एक टूरिज़्म है उसको हम प्रमोट कर सकते हैं और अखनूर को प्रमोट कर सकते हैं। देखते रहें जेके मीडिया, आशीष कोहली जेके मीडिया के लिए। जय हिंद।